नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। आम के पेड़ पर एक सुरीली नाम की चिड़िया रहती थी। उसने खूब सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे साथ में रहते थे। वह बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे, इसीलिए सुरीली उन सभी को खाना लाकर खिलाती थी। एक दिन जब बरसात तेज हो रही थी, तभी सुरीली के बच्चों को जोर से भूख लगने लगी। बच्चे खूब जोर से रोने लगे, इतना जोर कि देखते देखते सभी बच्चे रो रहे थे। सुरीली से अपने बच्चों के रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उन्हें चुप करा रही थी, किंतु बच्चे भूख से तड़प रहे थे, इसलिए वह चुप नहीं हो रहे थे। सुरीली सोच में पड़ गई, इतनी तेज बारिश में खाना कहाँ से लाऊंगी? मगर खाना नहीं लाया तो बच्चों का भूख कैसे शांत होगा? काफी देर सोचने के बाद सुरीली ने एक लंबी उड़ान भरी और पंडित जी के घर पहुंच गई। पंडित जी ने प्रसाद में मिले चावल दाल और फलों को आंगन में रखा हुआ था। चिड़िया ने देखा और बच्चों के लिए अपने मुंह में ढेर सारा चावल रख लिया और झटपट वहां से उड़ गई। घोंसले में पहुंचकर चिड़िया ने सभी बच्चों को चावल का दाना खिलाया। बच्चों का पेट भर गया, वह सब चुप हो गए और आपस में खेलने लगे। नैतिक शिक्षा: संसार में माँ की ममता का कोई जोर नहीं है, अपनी जान विपत्ति में डालकर भी अपने बच्चों के हित में कार्य करती है।